गाड़ी में ना कुछ काफी ज्यादा डिफरेंस है। पहले जो था ना वो गाड़ी कम से कम यहाँ तक लिफ्ट थी, मतलब टायर के साथ ना ऑलमोस्ट लगने वाले थे। जो केबल है ना ये चेक कर रहे हो, ये देख रहे हो यहाँ पे ना, कई बार जब ये वापस यहाँ पे आती है ना तो यहाँ पे रुक जाती है भाई। ये देख रहे हो, अभी देखो फिलहाल रुक गई है। एक्सीडेंट हो जाए अगर अपनी गलती है तो फिर वो तार के नीचे छुपा दो, ठीक। तो वायरिंग का सारा काम होगा परसों, उसके बाद इसका सीट केबल का वगैरह काम होगा, उसके बाद इसके ऊपर जो है। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? तो आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम मेरा न्यू वीडियो पे आप सबका, मैं आपका दोस्त सादिक मलिक। भाई टाइम अप्रोक्स पता कितना हो चुका है, सच में कह रहा हूँ। पहले वॉच नहीं हुआ करती थी तो आज वॉच है, तो आज हम सच में वॉच में टाइम देखेंगे। सो इस टाइम होने लगे हैं भाई 11:15, तो 11:15 हो चुके हैं। काफी दिनों से प्लान कर रहा था कि भाई गाड़ी का काम करवाएंगे, थार का काम तो अभी पेंडिंग ही है, क्योंकि पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपनी मिनी रूबीकॉन जो है ना जिप्सी उसको तैयार करवाएंगे, जितना फुल जितना भी काम करवाना ना, सो वो एक डे बाई डे डे बाई डे सब कुछ काम करवाते रहेंगे। सो आज का प्लान कुछ ऐसे हैं, जो कहा था कि भाई आप फ्री रहना, मैं जल्दी आऊँगा और काम करवाऊंगा। सबसे उसके पहले उठा, फिर उसके बाद शॉप पे काम शाम देखा, ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया क्योंकि रमजान चल रहा, तो उसी की रूटीन बनी हुई है। अभी तक दिल ही नहीं करता कि मॉर्निंग में कुछ खाने का, ठीक है काम है। सो देखो मम्मा क्या बोल रहे हैं, मम्मा कहते हैं होटल में खाएंगे, गजब बेइज्जती है। रमजान खत्म हो गए ना, सो उसके बाद ना मैं घर का खाना खा कर थक गया था। सो वन मंथ पूरा घर का खाना खाया हुआ, तो हमने कंटिन्यू दो तीन दिन ना मतलब मैंने घर पे खाना ही नहीं खाया, सब कुछ बाहर ही खाया। सो उससे कर मैं घर वाले थोड़ा डांट रहे हैं कि यार तुम घर पे खाते नहीं हो, कोई बात नहीं, ये भी कुछ चीज़ का हल करते हैं। तो धूप है ना भाई वो काफी ज्यादा हो चुकी है, तो गाड़ी ओपन है, सो इसलिए मन नहीं कर रहा निकलूं। फिलहाल निकलते हैं बाहर, अपनी गाड़ी की कंडीशन दिखाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि भाई फाइनली होने के बाद भी होगा इन फ्रंट ऑफ फेस होगा। चलो सो ये खड़ी है अपनी बुलेट राजा। सो बुलेट राजा को स्टार्ट किया, पता कितनी कितनी देर हो चुकी है, खुद नहीं पता भाई स्टार्ट कब किया था। इस पर मिट्टी देखो कितनी ज्यादा, मैं सोच रहा हूँ इसको ना एक कोटिंग वगैरह होती है, वो दिल कर रहा है कि किसी ने लेके जाऊंगा, थोड़ा बहुत जो इसका काम है ना वो चीज़ करवा कर फिर से कोटिंग करवा दूंगा। सो ये खड़ी है अपनी स्कॉर्पियो। अब बात कुछ ऐसे है कि अपनी लाल परी में ना टायर टोटली मतलब खत्म हो चुके हैं, सो इसके टायर ना डलवाने थे, कल नहीं दो दिन के बाद ना इसके टायर वगैरह डलवा देंगे। सो ये देख रहे हो टायर की हालत, देख रहे हो भाई साइड तो ठीक है बस ये सेंटर से खत्म हो चुके हैं। ये देखो फ्रंट वाले टायर की हालत, ये काफ़ी बुरी हालत है इसकी भी, तो इसको भी वॉश। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार प्लान कर रहे थे कि यहाँ पे ना एक शेड बना देंगे, जिसके कारण ना सब गाड़ियाँ मतलब थार होगी, ये होगी बाइक्स पर होगी, वो शेड के नीचे रहेंगी, धूप वगैरह ना आएगी, सो गाड़ियाँ थोड़ी सेफ रहेंगी, वरना ये गाड़ी ओपन में रहती है। सो रोड है यहाँ पे, रोड से सारी डस्ट ने इसके ऊपर गिरती है, वॉश कराने का मन ही नहीं करता भाई। ये कुछ मुश्किलात हैं जिसके कारण हम जूझ रहे हैं, इन मुश्किलात से जूझ रहे हैं भाई। सो फिलहाल निकलते हैं बाहर, अपना सोच रहा हूँ कि ऑफिस का सारा काम खत्म करके ना फिर निकलता हूँ बाहर, क्योंकि अगर उसके बाद मैं निकला ना तो ऑफिस नहीं आ पाऊंगा जब तक पूरी गाड़ी कंप्लीट नहीं होगी भाई। ये खड़ी है अपनी मिनी रूबीकॉन। सो फिलहाल मिनी रूबीकॉन को स्टार्ट करना पड़ेगा, फिलहाल काफ़ी दिन से स्टार्ट ही नहीं किया हुआ है। उसकी फ्रंट वाला टायर ना फू फट चुका है, तो इसको ना स्टपनी हमने वो वाली चीज़ एक्सचेंज कर दी है, वो ना थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, उसकी ग्रिप भी थोड़ी कम है सर, उसके बाद वो चीज़ भी कंप्लीट करनी है। सो आज काफ़ी दिनों के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, मे बी चाबी देख रहे हो साथ में, मैं सुबह स्टार्ट करने लगा था फिर स्टार्ट की नहीं। सो फिर अभी देखते हैं स्टार्ट करके कि स्टार्ट होगी या नहीं होगी भाई, क्या बोलते हो? ये देख रहे हो ये अपने मिनी रूबीकॉन का फील भाई। सो फिलहाल थोड़ा सा नीचे करते हैं, चलो भाई। तो गाइस अब सुनो ध्यान से इसमें क्या चीज़ें मॉडिफाई होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट की बात कर रहे हैं, मैं भी इसकी ग्रिल का सोच रहा हूँ, ग्रिल चेंज करवा दूंगा, देन उसके बाद बम्पर का सोच रहा हूँ, बम्पर ये वाला खोल ही देंगे, या तो कुछ और बम्पर डाल देंगे या तो बम्पर डालेंगे नहीं भाई। ये देख रहे हो हमारा दिमाग। सो सारी कहानी मैंने बोल दी, बट ये है कि अभी जाके पता चल रहा है कि कैमरा खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका था, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। सो अब मुझे फिर से अगेन सारी चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, तो फिलहाल चलते दिखते हैं। अब फिलहाल यहाँ तो नहीं रोकूंगा, अब जाके नरवाल रुकी गाड़ी और नरवाल जाके सुनाता हूँ कि फाइनली इसमें होने क्या क्या वाला है और इंस्टॉलमेंट क्या क्या करवाने वाला हूँ, काम क्या करवाने वाला हूँ, वो चीज़ें सीधा आपको नरवाल जाके पता चलेगी। सो जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की थी ना, सो मुझे लग रहा था कि मैं ना रास्ते जाते जाते ना पिघल जाऊंगा भाई, बट ये कि नॉर्मल धूप है, मतलब इतना हर्ट नहीं कर रही धूप, मतलब इतना इरिटेट नहीं हो पा रहा हूँ, तो नॉर्मल से चल पा रहा हूँ गाड़ी। अगर ये है कि ऐसा ही मौसम रहा ना, सो भाई मुझे जिससे जाने में दिक्कत नहीं होगी, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करवाना पड़ेगा। अब वो चीज़ प्लान है, देखते हैं अगर वो चीज़ हो जाती है तो वो चीज़ करवाएंगे भाई। प्लानिंग तो काफ़ी ज़्यादा है, माइंड में काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट है कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस होने चाहिए भाई। गाड़ी में ना फ्यूल भी बहुत ज़्यादा कम है, सो फ्यूल वाला भी डलवाना है इस गाड़ी के अंदर, फ्यूल की जो ना वो टोटली डाउन हो चुकी है। सो पहले बात करते हैं उनसे कि भाई इस गाड़ी का और भी काफ़ी सारी चीज़ें वो वहाँ से हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। सो चलो एक छोटा सा प्लान और ऐड ऑन हो चुका है, सो देखते हैं भाई कि वो प्लान होगा कि नहीं होगा। फिलहाल जाके डिस्कस करके देखते हैं कि इस गाड़ी को कितना टाइम लगने वाला, क्या क्या होने वाला है, सो वो ऑन द स्पॉट ही पर चलेगा भाई। तो फिलहाल गाइज अपनी गाड़ी आ चुकी है नरवाल में, उसमें क्या क्या चीज़ें करवानी है। सो ये रहे अपने इमरान भैया जो कि हर बार शर्माते हैं। मोदी का बड़ा हरामी हो बेटा यार, क्या हो गया है देख
मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो सर फिलहाल इसमें ना ज्यादा पट्टे नहीं डल पाएंगे बट ये है कि एक एक पट्टा डल जाएगा इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ गाड़ी ना जो जिस चीज की आवाज आती है ना ये कुछ दिख रहे हैं आपको भाई ये चीज चेंज करवानी पड़ेगी चेंज नहीं करवानी पड़ेगी ये थोड़े से ना लिफ्ट करने पड़ेंगे भाई ये डबल बुश करने पड़ेंगे ये बॉडी के साथ अटैच है बुश डालेंगे तो उससे आवाज खत्म हो जाएगी एक पट्टा इंक्लूड और करना पड़ेगा बात कुछ ऐसे है हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि एक मूवी का प्लान बन चुका है हमारा सो खालिद भाई आ चुके लेने के लिए सो देखते हैं भाई कि मूवी का प्लान जाते कि नहीं जाते फिलहाल यहाँ से तो निकल रहे हैं सो वो देख रहे हो मिनी को भी कौन वो लग चुकी है सो फिलहाल इसका ना अभी पट्टों का काम होगा अभी रहीम के पास चलते हैं डन उसके बाद दो तीन बंदे और बुला रहे हैं सो उनके साथ बैठ के प्लान करते हैं 1 बजे मूवी का प्लान है सो अगर निकले तो निकल जाएंगे अभी अगर नहीं निकल पाए तो भाई फिर वापस गाड़ी के पास आ जाएंगे और उसका लंच वंच करके तो फिर गाड़ी का प्रॉपर पूरा काम करवाते हैं नहीं तो आपको मूवी दिखाते हैं भाई बस अभी फिलहाल सीन कुछ ऐसे हैं हम चले गए थे मैं घर आ गया था गाड़ी वहीं पर रखी है थोड़ा बहुत काम करवाया था तो उसके बाद घर आ गए थे तो उसके बाद क्या दिक्कत थी कि भाई गाड़ी का कुछ मुझे समझ लग रहा था कि करें तो करें क्या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरी मतलब कंट्रोल से बाहर थी तो अभी फिलहाल हमारे पास आ चुके हैं साहिल भैया ओह भाई साहब वाह सर गाड़ी इतनी अस्सलाम वालेकुम सर सर कैसे हो अरे अपने साहिल भैया ओह भाई साहब गाड़ी इतनी क्लीन कैसे हुई है यार ये गाड़ी क्लीन ही रहती है भाई देख रहे हो गाड़ी में मतलब कोई ये ऑफ रोड बंदे फिर मतलब गाड़ी में कुछ कुछ धूल होनी चाहिए पर कुछ नहीं है और मुझे साहिल भैया से ये चीज पूछनी थी कि साहिल भैया ने ये चीज लगवाई है तो ये चीज हमारी काफी सारी गाड़ी में देखी है भैया सो ये चीज लगवानी चाहिए हमारी गाड़ी में नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल लगानी चाहिए इसके दो फायदे जी क्या क्या एक फायदा है सर खुदा ना खास्ता कभी हमारा कुछ गाड़ी लग जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए अगर अपनी गलती है तो फिर वो तार के नीचे छुपा दो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे बड़ा कि दूसरे की गलती है ओ भाई साहब नाम चोर है ओए तेरी दे नाम देखो दूसरे की गलती है तो फिर बोलो यार देखो मेरे पास रिकॉर्डिंग है बहस करने का कोई फायदा नहीं तो इसमें फ्रंट भी दिखता है कि अंदर क्या हो रहा है ना अंदर बाहर दोनों साइड लगवा लेंगे लगवा लेंगे पता है क्या हम गाड़ी में ना कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं ना कोई दिक्कत नहीं ये लगवाना पता सेफ्टी अच्छी रहती है आपके लिए सेफ रहता है हम जा रहे हैं अभी अपनी गाड़ी का कुछ सामान खरीदने के लिए और अपनी गाड़ी फुल मॉडिफाई होगी और मैंने सर्विस इसलिए बोला कि भाई जो मुझे नहीं पता है वो आप देखो गाड़ी में कुछ क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज जरूरी है वो चीज भाई गाड़ी तो ऑफ रोड रहनी इतनी ज्यादा मॉडिफाई करा की जरूरत नहीं है बट ये गाड़ी उस हिसाब से रखेंगे जी गाड़ी चल पाए बताओ सर क्या क्या करवाना है गाड़ी के साथी भाई पहले तो हम आपके जाके मैकेनिक से बात करते हैं जी। उसने क्या क्या खोला है उसको क्या क्या लग रहा है कि चेंज करनी चाहिए क्योंकि देखो एक छोटा सा नट जो होता है ना बुश को वो रखने वाला भी वो भी अगर खराब हो तो फिर मजा नहीं आता यार और गाड़ी जब तक चलाने में मजा ना आए ना तो काम कराने का वो फील नहीं होती तो साहिल भाई एक जिप्सी ऑनर है तो साहिल भाई तो भी अच्छी रिकमेंड करेंगे यस और मैं आहिस्ता ही काम करा रहा हूँ वी आर हार्ड वर्कर्स हम करते हैं थोड़ा पैसा आता है पैसा जितना जितना शौकों के लिए जितना शाम को आता है नस्बा लगा के फिर शाम को कमाने चले जाते हैं सब फिलहाल चलते हैं बाकी आपको नरवाल दिखाते हैं मे बी आपको कॉल किया आपको वहीं पे आ रहा है सो सारे मिलके ना गाड़ी तैयार करवाते हैं चलते हैं नरवाल बाकी आपको वहां जाकर गाड़ी दिखाते हैं गाड़ी के एडमिशन है चलो नरवाल पहुंच चुके हैं सो अपनी गाड़ी में ना कुछ काफी ज्यादा डिफरेंस है पहले जो था ना वो गाड़ी कम से कम यहाँ तक लिफ्ट थी मेरे टायर के साथ ना ऑलमोस्ट लगने वाले थे सो ये चीज देख रहे हो तुम ये थर्ड शेड मरवा के ना ये चीज देख रहे हो भाई तो ये थर्ड शेड मरवा के बोला मतलब एक ब्लॉक उसमें डाल के ना तो अब गाड़ी काफी ज्यादा थोड़ी हाइट पे हो चुकी है सो फ्रंट वाली साइड देख रहे हो तुम डिफरेंस क्यों है क्योंकि ये ना टायर ना छोटा वाला है इसको टायर को भी चेंज करना है देन ये पीछे देख रहे हो तुम भाई अभी फिलहाल काम वगैरह चल रहा है ऑलमोस्ट अभी काम अभी खत्म नहीं हुआ है तो थोड़ी देर के बाद काम खत्म हो जाएगा तो ये लिफ्ट उफ्ट करवा के अब फुल करके उसके बाद ही कुछ बनेगा भाई कि अंदर कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ चुकी है अब वो प्रॉब्लम क्या आ रही है चेक कर रहे हो फिलहाल ना ये देख रहे हो ये है रेस की वायर जो है ना सो एक्सट्रा जो केबल है ना ये चेक कर रहे हो ये देख रहे हो यहाँ पे ना कई बार जब ये वापस यहाँ पे आती है ना तो यहाँ पे रुक जाती है भाई ये देखो अभी देखो फिलहाल रुक गई है अब ये काफी देर के बाद ना काफी पैडल मारने के बाद जगह ये वायर निकलेगी अब इसका कोई स्प्रिंग ढीला है पता नहीं क्या ढीला है वो मुझे खुद नहीं पता क्या दिख रहा है ये वायर देख रहे हो ये वायर टोटली खत्म हो चुकी है ये चीज चेंज करवानी है देन उसके वायरिंग में सोच रहा हूँ कि ऑलमोस्ट जितनी वायरिंग एक्स्ट्रा है ना वो सारी निकाल दूँ तो उसके बाद वायरिंग चेंज करवाऊँ मुझे लगता नहीं कि आज फुल काम हो पाएगा बट ये है कि जितना भी हो पाएगा ना उतना करवाएंगे यार सो ये देख रहे हो शुक्र है चलता है भाई अगर लंबा टाइम लग गया तो देखते हैं भाई जितना काम हो पाता है उतना करवा देंगे बाकी जो रह जाएगा वो हम नेक्स्ट टाइम करवा लेंगे आज गाड़ी वापस लेनी है कल फिर लाऊंगा सो भाई साहब फिलहाल ना ये चीज़ ना बाहर निकली हुई है सो मैं इसलिए बोल रहा था कि इस चीज़ को काट देंगे बट मैं सोचे खुल जाएगी बट एक खुल नहीं रही है अब इसको ना प्रॉपर ये देख रहे हो यहाँ से ये आगे से पूरा यहाँ से बेल्ट हुआ है ये अब ये बेल्ट होकर ना अभी काटना पड़ेगा अंदर तक यहाँ से तो कट चुका है बट उसके बाद ना ये चीज़ मैं सोचा उसने घर पर काटने की सोच रहा था बट एक काटी नहीं है भाई सो जो सेल्फ का काम करवाना था ना सो वो उसमें ये चीज़ खराब थी इतनी छोटी सी चीज़ ना
मतलब एक गाड़ी को इतनी बड़ी गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने देती ये छोटी चीज पता है पता की गल है जब फ्रीवल लगता ना ये स्टार्ट नहीं करेगी ये चलो मार दिया फिर ऊपर अरे सब मार दिया देखो ना जी ये टाइट हो गई ये गोलियां आई ना चल देखियो तो फिलहाल ये चीज़ अब ठीक करवाई है तो ये सल्फ के भैया ने तो फिलहाल अब गाड़ी स्टार्ट प्रॉपर मतलब एक ही सल्फ में हो रही भाई आम शम चल रहा है सो यहाँ देख रहे हो अपने साहब भाई आए हैं आपू भाई आए हैं सो इनको काम कोई नहीं है बट ये कि मैंने बोला था कि भाई साथ में काम करवा देंगे थोड़ा बहुत तो भैया आ चुके हैं यहाँ पे ना मतलब साथ में खड़े होकर पूरी चीज़ देख रहे हैं क्या चीज़ करवानी क्या चीज़ कैसे करवानी कैसे नहीं करवानी सो थैंक यू भैया को कि भैया इतना टाइम निकाला और आए यहाँ पे तो आपू वो बैठा हुआ गाड़ी के अंदर ये मैंने पहले बताया कि पिछले बार टायर जो है वो स्टफनी का लगा हुआ है सुरंड टायर में स्टफनी का लगा हुआ ये टायर चेंज करवाना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जाके फिर टायर ढूंढना पड़ेगा और साहब भाई वापस जा रहे हैं जे टाउन के लिए सो बाकी ना अभी हमने जाना है एक वायर का कुछ इशू है सो वायर का वो इशू जाके चेक करना है तो भी बात करनी उसे वायरिंग पीछे इशू है तो वो वायरिंग की बात करनी है हम चलते पहले जाके ना टायर का पता करते हैं वायरिंग से बात करते हैं उसके बाद वापस आते हैं भाई काफी ज्यादा हो चुका है सो अब आफू भाई को करते हैं बाय 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 सो फिलहाल ये भी काफी लेट हो चुका है इसको जाना है तो मैंने कहा तो एक काम करो हमने खा पी लिया सब कुछ अब फिलहाल यहाँ पे ना गाड़ी सारी ओपन है अब ना इसके फ्रंट वाले डिस्क पैड ना वो भी खत्म हो चुके थे इशू डाल रहे हैं फ्रंट वाले बस एक टायर जो है ना वो पता करना है तो चलते हैं सूर्यमा में देख रहे हो पूरा डूब चुका है सो लेट्स सी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है सब अपने डिस्क पैड ना वो पूरे खत्म हो चुके थे फ्रंट वाले इसमें मटेरियल है ना वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी पुरानी वाले दिखाते हैं कि पुरानी वाले में कितना था भाई ये चेक कर रहे हो पुरानी वाली मतलब एटलीस्ट खत्म ही समझो भाई कुछ थोड़ा सा पार्ट बचा था जो कि रह गया था बाकी क्योंकि इसके ब्रेक ना कभी कम लगती है भाई कभी जाते हो ना भाई तो कभी ना कभी आपकी गाड़ी आपको धोखा दे दे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए गाड़ी का प्रॉपर काम करवा के रखते हैं तो बाकी जो चीज़ की मॉडिफिकेशन कभी स्टार्ट हुई है तो काफ़ी मतलब लंबा प्रोसेस है मतलब वायरिंग का सारा काम होगा परसों उसके बाद इसका सीट कवर का वगैरह काम होगा उसके बाद इसके ऊपर जो ये ना ये चीज़ टूट चुकी है ये चीज़ इसका काम करवाना है उसका कवर डलेगा देन उसके पिछले वाली जो बॉडी इसने करवानी है वो मैं सोचा कि पूरी बॉडी बंद करवा दूंगा वहाँ होता रहता है ये छोटी सी है मैंने पीछे ओपन रखनी है तो वही पीछे से बंद करवा दूंगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो करवानी है इसके अंदर काम तो नहीं खत्म हुआ अप्रोक्स टाइम पता कितना हो रहा है टाइम बच गए हैं अपने 7:30 हो चुके हैं सो लाइट पूरी डिम हो चुकी है सो यहाँ पे अपने एक सब्सक्राइब मिल चुके हैं सो भाई का नाम है नाम बता दो भाई कैसे हो जैन ब्लॉग्स जैन मीर सो भाई भी एक यूट्यूबर ही है सो भाई का ट्रक वाला ब्लॉग है जैसे हमारे सेठी भाई अपने राजा भाई करते हैं भाई की गाड़ी उस साइड लगी हुई है चल के चैनल को चेक कर लेना तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना सो फिलहाल अपना काम यहाँ चल रहा है तो ये कुछ ब्लॉकिंग हो चुका है तो ये चीज़ ओपन कर रहे हैं तो ये चीज़ खत्म करने के बाद ना फिर हम घर निकल जाएंगे बैटरी भी डेड होने वाली है क्योंकि बैटरी फोन टोटली डेड हो चुका है क्योंकि यहाँ चार्ज करने का मौका नहीं मिला तो उसके बाद ना और काफ़ी सारी चीज़ें जो कि नहीं दिखा पा रहा हूँ मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट मस्त ब्लॉग में कल तो होप्स होगी भाई आपको ब्लॉग अच्छा लगा अगर ये सीरीज आप देखना चाहते हो ना भाई चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना कमेंट करना शेयर करना तब तक लव यू टेक केयर बाय 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 बाय।